आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हम आलू डाल के पीले चावल बना रहे हैं। तैरी कहते हैं उसे। क्यों? डिसअपॉइंटमेंट नहीं बोलते हैं? कभी कभी जहां अंत होता है वहीं शुरुआत होती है। वैसे ज्यादा कुछ नहीं बदला है इस परिवार में। एक बाप है जो अभी भी बिजली विभाग में है और इनकी स्कूटर उतना ही माइलेज दे रही है। बड़े बेटे अन्नू मिश्रा जो बिजी विदाउट वर्क हैं और छोटे बेटे अमन मिश्रा जो रोज किताब खोल के रट्टा मारते हैं और बंद करते ही सब भूल जाते हैं। और हमेशा की तरह सबसे अंत में आती है एक माँ जो आज भी खीर में अमृत के टपकने का इंतजार कर रही है। और नहीं टपका तो तुम्हारे कहने से नहीं टपकेगा, टपकेगा और पूरा परिवार आपदा विपदा से बचा रहेगा। हम ये आपदा सुने थे, विपदा क्या होता है? इधर आओ, इधर आओ। क्या है ये? होती है यार, ये होता है बापदा। गुल्लक हमारा आपका मिनी बैंक थी, नॉस्टैल्जिया का खजाना थी, किस्सों की खान थी, छोटे छोटे सपनों की बड़ी उड़ान थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस गुल्लक की जो मशहूर हो गई है। गुल्लक 2 एक छोटी सी क्यूट सी सीरीज है जो सोनी लिव पर आपका इंतजार कर रही है। अब 2 बोला है तो यानी 1 भी आया होगा। 2 साल पहले आया था साहब, और ऐसा आया था कि मैं 2 का इंतजार करता रहा। पार्ट 2 15 जनवरी को जैसे रिलीज हुआ देख डाला मैंने, और वाह वाह क्या कहने, कमाल करके रख दिया। मतलब पार्ट 1 अगर मकान था तो दूसरे वाले को आप हवेली समझिए। तो आज इसी हवेली के 2 आर्किटेक्ट मेरे साथ हैं। पहले तो हैं डायरेक्टर पलाश वासवानी, स्वागत है आपका। थैंक यू। और दूसरे हैं राइटर दुर्गेश सिंह, और ये जो आप लोग गुल्लक का टाइटल ट्रैक सुनते हैं वो भी भाई साहब ने लिखा है। स्वागत है जी। शुक्रिया। और मेरा नाम नितिन ठाकुर है। तो भाइयों पहले पत्रकार वाला सवाल कर लूं आप दोनों से, कैसा लग रहा है आजकल इंटरव्यू दे देकर? तो पहले पलाश बताइए आप। अच्छा ही लग रहा है। देखिए जब इंटरव्यू में गुल्लक की डिटेलिंग के बारे में जब पूछा जाता है तो हमको भी मौका मिलता है कि हम इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रही है। दुर्गेश ने जब लिखा या जब हमने सबने यहाँ पे सोचा, जो श्रेयांश है जो शो के शो रनर है उनसे जब बातें होती थी और किस तरीके से हम लोगों ने इसको पूरा पिक्चराइज किया और फिर कैसे उसको कन्वर्ट किया, तो उसके पीछे की बातचीत जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आई होप कि ऑडियंस को सुनने मिलेगी, तो अच्छा ही लगता है। और लेकिन एक बात है, पार्ट 1 भी बढ़िया था और पार्ट 2 भी दमदार है, मगर पार्ट 1 को लेकर बहुत कम लोगों को पता था, और अब जो हल्ला मचा है तो लोग पार्ट 1 भी देख रहे हैं, तो बड़ा अफसोस हो रहा है उन्हें। कई बार अफसोस होता है, कह रहे हम ही पीछे रह गए, हमने देखा ही नहीं था ये तो। तो इस बात का आपको थोड़ा बहुत मतलब मलाल पहले रहा होगा शायद, पार्ट 1 में इतनी चर्चा नहीं हुई थी। जी वो रहता ही है, थैंक्स टू सोनी लिव ऑल्सो फॉर इट, कि सोनी लिव ने इसको बड़े अच्छे से प्रमोट भी किया है जहाँ पे लोगों को पहुंच पा रहा है। और पार्ट 1 जिन्होंने बनाया था, निखिल ने लिखा था, अमृत ने डायरेक्ट किया था, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बनाया था, और वो जब वो ऑडियंस देख के सीजन 1 भी अगर वो पसंद कर रही तो वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात ही है, क्योंकि बहुत अच्छा होता है जब कोई एक शो कॉन्स्टेंटली अगर अच्छा बनता है, सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 आप अगर कॉन्स्टेंटली अच्छा दे पाओ तो वो किसी भी क्रिएटर के लिए एक तरह की जीत है। बिल्कुल। अच्छा दुर्गेश आप बताइए, आपका भी अचानक शेड्यूल तो बदल गया होगा भाई, राइटर लोगों का शेड्यूल जो है बड़ा पैक रहता है बॉम्बे में, और अब तो मुझे लग रहा है कि आपका पैक तो है लेकिन किसी और तरीके से है। अभी लाइव दे रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, कल आप कहीं और थे, मैं लगातार आपको 2-3 दिन से व्यस्त देख रहा हूँ। हाँ, तकिए के नीचे फोन रख के सोने लगा हूँ एक्चुअली, है ना, तो वो चेक करने के लिए नोटिफिकेशन, अच्छा कुछ और भेजा क्या किसी ने, तो वो जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि प्यार तो बहुत सारा मिल रहा है लोगों का, पर लिफाफा इतना जिम्मेदारी वाला है ना, वो लिफाफे के गलने के चांस बहुत है, तो वो डर अंदर आ रहा है कि भाई ये बहुत जिम्मेदारी वाला प्यार मिल रहा है, तो आगे जो भी करना है वो बहुत संभल के करना है। जैसे कल हम और पलाश और श्रेयांश हम लोग बात कर रहे थे, एक इंटरव्यू में हम बात कर रहे थे, तो ये वही बात हो रही थी कि मतलब जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा, कहा कि प्यार तो मिल रहा है पर इसका डर भी ज्यादा है, तो वो एक नर्वसनेस भी थी, मतलब वो पता नहीं वो कॉन्स्टेंट है, वो रिलीज से पहले थी और रिलीज जब हुआ उसके बाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, 2-3 दिन के लिए वो नर्वसनेस गायब हो गई, और फिर अभी फिर से धीरे धीरे घर कर रही है, धीरे धीरे अंदर किसी कोने से कहीं कहीं से आ रही है, तो उस वजह से है। और हाँ मतलब मैं ये एग्री करता हूँ, शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है इसकी वजह से।
हुआ है, नहीं तो हम जैसे लोग भी फोन कर देते हैं, भैया दे दो यार, कर दो आज तो, कर दो कल तो, कर दो। तो मुझे पता है कि अभी ये व्यस्तता आपकी लंबी चलेगी, लेकिन व्यस्तता की आपको शुभकामनाएं, आपने मेहनत की है। ये बताइए, पुराने दोस्तों के, भूले बिसरे लोगों के भी फोन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो भूले बिसरे लोगों के फोन आ रहे हैं दुर्गेश की, नहीं आ रहे हैं? जो जिनसे बात हुई सालों पहले, तो वो फोन कर रहे होंगे? हाँ, मतलब आ रहे हैं, आप शत प्रतिशत सही हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। हाँ, तो बढ़िया है। अच्छा पलाश, एक बात बताइए, आपने तो इन सभी एक्टर से काम कराया, मैं देख रहा था भाई, जमील खान साहब हैं जो मिश्रा जी बने हैं, गीतांजलि कुलकर्णी जो मम्मी हैं, मैं नाम ले रहा हूं ताकि लोगों को ध्यान में रहे, वैभव राज गुप्ता हैं जो अन्नू हैं, हर्ष मायर अमन मिश्रा हैं, और बिट्टू की मम्मी को मिस नहीं कर सकते, सुनीता राजवर बनी है। ये बताइए, इतने सीनियर कलाकार और फिर जूनियर कलाकार एक साथ साधना, दो अलग अलग पीढ़ियों को, कितना मुश्किल किसी डायरेक्टर के लिए होता है? डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। देखिए एक्चुअली सबसे इससे ज्यादा मुश्किल क्या था कि जब मैं आया, अब एक डायरेक्टर का, देखिए सीजन वन ऑलरेडी बना हुआ था और सीजन वन का रिस्पांस भी अच्छा था, तो एक किसी भी डायरेक्टर की जो एक इनिशियल ये प्रॉब्लम होती है ना कि जेलिंग अच्छे से हो जाए एक्टर्स की, अपने आप वो एक्टर फैमिली बन जाए, तो मेरे लिए ये बड़ी आसानी से, मेरे लिए ये चीज बहुत खूबसूरती से हो गई कि वो फैमिली ऑलरेडी बनी हुई थी। तो अब एज अ डायरेक्टर यहाँ पे फिर मेरा काम यह हो गया था कि किस तरीके से मैं जब इनसे मिला, अब जब ये जब चारों बातें करते थे, सुनीता मैम उसमें मस्तियां करती थी, तो ये अपने आप में एक फैमिली है। अब इस फैमिली को मैं, इनके किस्सों को या इनकी बातचीत को मैं कितने अच्छे से कैप्चर करूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था। तो फिर मेरा ध्यान पूरे तरीके से यहां रहा कि हाँ, ऑफकोर्स टोन, एक टोन थी जहां पे मुझे था कि यार ये टोन ही रखनी है, या इमोशंस में इससे आगे नहीं जाना है, या जहाँ फन भी है वो उसको यहाँ तक सीमित ही रखना है, इसके ऊपर नहीं जाना, तो वो एक टोन हमने पकड़ी थी। वो टोन के बाद एक्टर्स तो अपना जादू दिखा ही रहते हैं, और फिर हम पूरी तरीके से उसको किस तरीके से कैप्चर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि कैसे ऑडियंस को ये फील कराएं कि ये उनका खुद का परिवार है, या उनका देखा हुआ परिवार है, या इस परिवार के साथ जी रहे, ना कि ऑडियंस की तरह इसको देख रहे हैं। लेकिन एक चीज है और दुर्गेश भी बताएंगे, आप बताइए, चकल्ला साहब लाए कहाँ से? एक तो वो जो बिट्टू की मम्मी के साथ बात हो रही है, मम्मी की, उसमें इतनी सारी चकल्लस है, और आप लोग तो लड़के हैं, और ये चकल्लस तो आमतौर पे माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा करती हैं, मतलब हाँ मुझे पता, ऑब्जर्वेशन तो रहा ही होगा, मगर चकल्लस बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग अक्सर सोचते हैं पता नहीं औरतें क्या बात करती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग चकल्लस आई कहाँ से दुर्गेश बताइए? हाँ, मतलब तो नितिन, वो चकल्लस यार अपने आसपास की महिलाओं को देखा है, मतलब बुआ को, मौसी को, चाची को, मामी को, नानी को, है ना, इन लोगों को बात करते हुए देखा, तो पहले तो मुझे हंसी आती थी, फिर मुझे लगा नहीं यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये दुनिया। अन्नू का एसएससी हो क्या? नहीं अभी दे रहा है ना, मेहनत कर रहा है, निकाल लेगा इस बार, ढीला है ना पढ़ाई में। नमस्ते आंटी। उतनी आंटी को मच्छर भगाने वाली मशीन चला रखी है लड़कों ने, उसकी शादी तक तो आपको घर बनाना ही पड़ेगा ना। मेरी चाची है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी भी जब मैं घर जाता हूँ तो वो आती है, मेरी माँ के पास आती है, बैठती है, और वो हालचाल नहीं पूछती, वो बोलती है कि आपका आम का पेड़ तो सूख रहा है, पता है आपको, और ऐसा करिए दवा डाल दीजिए, पर दवा डालने से भी कुछ नहीं होगा, दवा भी आजकल नकली आने लगी है, मतलब आप समझ रहे हैं, तो वो खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही कैरेक्टर, सब कुछ खुद ही प्ले करके चली जाएंगी आधे घंटे में चाय पीने, तो वो सारी चीजें वहीं से आई है मेरे ख्याल से। लेकिन वो औरतों की चकल्लस ही नहीं बल्कि आदमियों की भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं, मेरा भाई सब हम देख रहे थे, और जहां वो वाला मामला आता है ना कि अरे आपको नहीं पता, तो वो आदमी भी जो है वो जो अन्य, मतलब लगता कि हाँ अब कुछ नया पिटारा खुलेगा, ये गपबाजी। तो गपबाजी देखिए, अब जैसे जिन शहरों में रहा हूं ना मैं, जैसे इलाहाबाद, वहां तो मतलब एक एक टपरी पे, एक एक ठिए पे लोग खड़े होके एक एक घंटा ऐसे खाली साइकिल देखते रहते हैं ना, एक एक घंटा साइकिल कहाँ देखने वाले लोग हैं, एक साइकिल खड़ी है एक घंटा उदास, उस पे लोग बात कर रहे हैं। भोपाल, जहां मान लीजिए भोपाल कुर्रेबाजी का शहर है, वहां कुर्रा खेलते हैं लोग, चाय पी के ग्लास खाली करके उसमें माचिस फेंकते हैं उड़ा उड़ा के। अब वो जहां जिस जगह पे चाय पीने के बाद एक एक घंटा माचिस फेंकने वाला गेम चलता हो जिस देश में, वहां बातें कितनी होती होंगी आप समझिए ना, वहां पे तो एक गाड़ी भी निकल गई अगर
अगर टाटा सफारी निकल गई उस पर एक घंटा बात हो रहा है, एक हीरोंडा पैशन निकल गई उस पर भी एक घंटा बात हो रही है, तो बातूनियों का तो शहर है ना, बातून देश तो आपका तो ये बैकग्राउंड है, मैं समझ गया, चलिए इलाहाबाद भी टच हुआ, भोपाल भी टच हुआ, पलाश आपका बैकग्राउंड थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डायरेक्टर के तौर पर एक तो ना डिटेलिंग बहुत कमाल की है, टीयर टू सिटी है, मिडिल क्लास फैमिली का घर है, पड़ोसी वैसे ही है, और अमन की सक्सेस पार्टी में मैंने देखा एक मेहमान आ रहे हैं और उन्होंने कोई ट्राउजर पहना, पैंट पहनी और नीचे स्पोर्ट्स शूज हैं। जी 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 90 में तो बहुत आम था, लेकिन ये आप कहाँ से देख रहे थे, आपका बैकग्राउंड टच करना चाहता हूँ। जी तो अब देखिए मेरी जो बाय बर्थ, मैं भी कोई बॉम्बे से हूँ नहीं, मैं भी छोटे शहर रायपुर से बिलोंग करता हूँ, और रायपुर भी हिंदी स्पीकिंग, अभी छत्तीसगढ़ में आ गया बट एक टाइम पे एमपी पे होता था, और मेरी फैमिली सारी ग्वालियर की है, मतलब मेरे मम्मी के साइड के सब लोग ग्वालियर के हैं, फादर के साइड के, और हम सब लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आते हैं, मतलब, और मैं बोलूंगा इस पूरे ग्रुप की जितने भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं गुल्लक में, चाहे वो दुर्गेश हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो श्रेयांश हो, चाहे वो टीम हो, जो हमारी टीम थी, वो मोस्टली सारी की सारी ना कहीं ऐसे बैकग्राउंड से ही आती है, तो एक तो ये सब ने जिया हुआ था। अब देखिए डायलेक्ट शायद से बदल सकते हैं लोगों के एमपी से यूपी जाते हुए, लेकिन वो जो घर है वो घर सबके सेम है, उस घर में अभी भी पीछे विक्स का डब्बा रखा रहेगा, रेडियो के आगे चाबी का छल्ला पड़ा रहेगा, है ना, तो इस तरह की जो डिटेलिंग है वो सबने ऑब्जर्व खुद करी हुई है, तो मेरे खुद देखा हुआ था इस तरह का घर, मेरा भी था बचपन में। और फिर क्या हुआ, जब ये शो लिखा जा रहा था तो अपने आप एक विजुअलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है अब, और सीजन वन में क्योंकि वो घर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था बिल्कुल, तो यहाँ पे मेरा काम इजी हो गया कि घर तो था, अब इस घर को कैसे हम और क्लोज लेके जाएं, कैसे सीजन वन में अगर कुछ चीजें नहीं थी तो इस बार कैसे कैरेक्टर्स को उस घर की चीजों से इंटरेक्ट करवाएं। वो मच्छर मारने वाला जो बैट होता है वो शायद पहले वाले में नहीं था, नहीं था, अब मैं बोल रहा हूँ जैसे किचन के बगल में नल होता है जिसमें इस तरह घरों में बर्तन धोए जाते हैं या कभी कभार कपड़े भी धो देते हैं, अभी तो यहाँ वॉशिंग मशीन है लेकिन वहां कपड़े भी धोए जाते हैं, वो हर घरों में रहा है, सीजन वन में हम कभी भी उसको चलते हुए नहीं देखते, बट हम लोग का था कि नहीं यार इसको इस बार चलाना है, ये सारे जो घर की प्रॉपर्टी है उससे इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, तभी वो लिव्ड इन वाली फील आएगी बहुत, और अटैच वॉशरूम ना होना, बिल्कुल बिल्कुल अटैच वॉशरूम ना होना, तो पूरी टीम के साथ बैठ के किया हुआ गया एक डिटेल में डिस्कशन, जहां पे जो हमारे एचओडीज थे, चाहे वो एसोसिएट डायरेक्टर हो मुदित या फिर डीओपी हो आनंद बंसल, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत फिल्म शूट करी गामक घर, अगर आपने देखी होगी वो फिल्म, है ना, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, जो प्रोडक्शन डिजाइनर है, और हम सारे जो क्रिएटर्स भी हैं, हम लोग का बैठ के वो उस पे जैम करना और किस तरह की रियलिटी हमें चाहिए वो, उस पे हमने बहुत बहुत ज्यादा हम लोगों ने मेहनत करी, और हमने बोला कि नहीं यार ये रखना बहुत जरूरी है, वो पैंट वो शूज वाला जो है वो बहुत थॉट आउट था कि नहीं इस तरह का हमको चाहिए, अगर आप शूज छोड़िए, आप जो पाइनएप्पल की पेस्ट्री आती है वो पाइनएप्पल की पेस्ट्री बचपन में बहुत खाई है, और वो अरे मुझे वो इतनी पसंद है कि अभी भी मैं अभी 2-4-5 दिन पहले नोएडा में कहीं खड़ा था तो बहुत सारी पेस्ट्रीज थी, वो पेस्ट्री शॉप थी, तो मैं अपने साथ में कोई था उससे यही कह रहा था कि भाई हमारे लिए पेस्ट्री का मतलब ये वाली है जो रखी है पाइनएप्पल वाली, ये नहीं खाए तो पेस्ट्री नहीं मिली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो मेहनत दिखाई दी। अच्छा एक चीज है इसके बारे में थोड़ी कम बात हो रही थी पर मुझे लगा बात करनी चाहिए, इसका म्यूजिक बहुत प्यारा है, बाकी ठीक है एक टाइटल ट्रैक है जो दुर्गेश ने लिखा है उसकी तो बात दुर्गेश से करूंगा, लेकिन जहां म्यूजिक सपोर्ट करता है चाहे वो दो भाइयों का झगड़ा हो, झगड़े के बाद अन्नू का गुस्से में खड़ा होना है, वो उसके पीछे जो म्यूजिक बज रहा है तो अन्नू भी लग रहा है रौद्र रूप में एकदम, म्यूजिक पर बहुत बढ़िया काम हुआ है और म्यूजिक पर मुझे लगता है कम लोगों ने चर्चा की है, वो करनी चाहिए। रियली थैंक यू टू यू कि आपने ये वाली चीज पकड़ी, क्योंकि म्यूजिक में बहुत मेहनत करी गई है, तो इसके पीछे दो लोग, दो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, एक है अनुराग साइकिया जो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक जिसका जिन्होंने दिया है इसका, और दूसरे हैं सिमरन होरा जिन्होंने गाना लिखा है, जो आखिरी लिखा है सॉरी जिन्होंने गाना को कंपोज किया है जो तू मेरा राजी जो लास्ट में चलता है प्लस टाइटल ट्रैक भी, तो ये दोनों लोगों एक तो बहुत कमाल के दोनों यू नो क्रिएटर्स हैं और लिटरली मैजिकल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ऐसा था कि मैं थोड़ा क्लियर था कि मुझे किस तरह के जोन में मैं म्यूजिक देख रहा हूँ, और जैसे एंड जो है वो एंड में जहाँ पे ये थोड़ा सा इमोशनल जो हमारा ग्राफ है वो इमोशंस की तरफ ज्यादा मुड़ता है, वहां पे हमारा एक ट्रैक था जो रेफरेंस के लिए लिया था, मैं पहली बार ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो दम लगा के हईशा का एक ट्रैक है प्रेम्स थीम के नाम से, थीम म्यूजिक है जो बड़ा सुंदर है और बड़ा न्यूट्रल इमोशन है, तो एज अ ऑडियंस वो पूरा जो सीन है जिसमें
मैं अमन के लिए मुझे खुश भी होना है बट मुझे अन्नू के लिए बुरा भी लगना है। माँ बाप के लिए मुझे खुश भी होना है कि वो अमन छोटे लड़के ने टॉप किया तो उनकी खुशी है, लेकिन वही माँ बाप के साथ अन्नू ने शायद से कुछ बुरा भला कह दिया तो मुझे वो, तो इतने सारे मिक्स्ड फीलिंग है कि मैं एक तरह का म्यूजिक हो ये नहीं चाहता था कि आदर वो सैड हो या हैप्पी हो, वो इट हैज टू बी न्यूट्रल, और वो न्यूट्रल के साथ ऑडियंस को इमोट करने दो कि वो अपने हिसाब से इमोट करें। हाँ, टाइटल ट्रैक पे दुर्गेश में बात करूंगा, लेकिन आपने क्योंकि पलाश इमोशन की बात की तो जो आखिरी आपका एपिसोड है उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं जी, जी, और खासकर कुछ चीजें हैं जो सभी को छूती हैं, जैसे अन्नू खड़ा है वो भाई के लिए खुश है, लेकिन सही बात है मिक्स्ड इमोशन में है, पिछली रात उसका जिस तरह का झगड़ा हुआ है, और वो जो पिता हैं वो धीमे से माँ के हाथ में कुछ पैसे रखते हैं और चाहते हैं कि अन्नू अपने हाथ से छोटे भाई को दे जी, और भाई वो बेकार है अभी काम तो करता नहीं है तो उसके पास कोई अपना पैसा तो है नहीं, फिर वो पैसा देना और फिर छोटे भाई का बड़े भाई को ऑफर करना कि तुम मोबाइल ले लो, और फिर वो दोनों जब मतलब उदास से हैं एक तरह से और तब वो खुश करने के लिए कहता है भाई नाक तो तुम्हारी भी अच्छी है, तो ये जो आप इमोशंस को ऐसा गहरा किया और फिर जो डायलॉग आता है फिर वो ऐसा जिससे हंसी छूटती है जी, तो ये कितना मुश्किल या कितना आसान होता है, मतलब मैं कई बार समझता हूँ कि एक्टर्स भी बह जाते हैं उन इमोशंस में, लेकिन डायरेक्टर को देखना होता है कि भाई इधर उधर ना हो जाए मामला, रोए नहीं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि टोन अपनी सैड नहीं है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो कैसे घोड़े पे लगाम कैसे लगाई? तो देखिए जैसे जिस तरीके से आपने ना ये ऑन स्क्रीन बड़ी सिंपल चीज है लेकिन इनको कन्वर्ट करना मेरे लिए एज अ पर्सन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है, एज अ सिंपलिसिटी स्क्रीन पे लाना सबसे मुश्किल काम है जो मुझे लगता है, क्योंकि किसी भी कहानी पे ना बहुत सारे प्लॉट्स ट्विस्ट ये होते हैं, तो अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस सही भी नहीं है या कुछ कमियां भी हैं लेकिन वो कहानी फिर उनके थ्रू आगे बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या है कि यहाँ पे सिर्फ प्योर इमोशंस हैं, जो प्योरिटी है एक परफॉर्मेंस की प्योरिटी, और कुछ ज्यादा कुछ कैमरा मूवमेंट नहीं, कुछ ज्यादा एडिटिंग नहीं है, सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक है और सिर्फ आप इनके क्लोजअप्स हैं, तो ये बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत पहले से क्लियर थे जैसे आप भी बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं होना है, तो एक पॉइंट पे लाके रोक देना है बस, इससे ज्यादा नहीं, इसके बाद ऑडियंस को वो फील करने दो, जैसे आपने ये वाला एग्जांपल लिया, इनफैक्ट लास्ट में भी जब फादर जो है अन्नू के कंधे पे हाथ रखते हैं, अब वो वहां पे कुछ बात नहीं हो रही, वहां पे दुर्गेश जो खुद कैमरामैन बने हुए हैं वहां पे, दुर्गेश बस बोल रहे हैं कि आप इधर आइए आप उधर आइए, इतना ही चल रहा है, ये लोग चुप हैं, सिर्फ इनकी आंखों से इशारे हो रहे हैं, अन्नू एक साइड में खड़ा है, वो बाप के बगल में आता है, फोटोग्राफर बोलता है पास आ जाइए, पास आ रहे हैं, और बाप हल्के से बाप समझ जाता है सिर्फ चेहरा देख के कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, और एक हाथ जो है उनके कंधे पर रख दिया था, यहाँ पे हमने एक डायलॉग भी सोचा था कि यहाँ पे एक डायलॉग डाल देते हैं यार कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, फिर हमने बोला डिसाइड किया कलेक्टिवली हमने डिसाइड किया कि नहीं यार ये यही हमारी जीत है, अगर हम लोग सिर्फ प्योर रॉ इमोशन पकड़ पाए यहाँ पे, एग्जैक्टली एक हाथ रख के उसका हल्का सा रो देना, और रोना भी बहुत नहीं, आप देखिए अन्नू बिलक बिलक के नहीं रोता, सब परिवार हग नहीं करता उसके बाद, अगर है ना, तो हमने बोला कि बस रुक के एक रोए और चुप हो जाए और बाप भी रुआसा हो जाए, फिर बाप भी उसको चुप करा दे, अरे हो गया भाई बस, इंडियन हम सारे एक साथ, एग्जैक्टली उसने भी हल्की सी सर पे टपली मारी आखिर में, और फिर बाप जी, भी जी, और जी, फोटो देने चले गए, ये बहुत प्यारा था, और दुर्गेश हाँ आपकी एक्टिंग देखी मैं तो भूल ही गया, आप ही तो थे जो फोटो खींच रहे थे बाद में वो सब पलाश की कृपा है एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हो गया था क्योंकि मेरा पहला कैमरा प्रेजेंस था उस सीन में, पर पलाश ने थैंक्स टू पलाश की उन्होंने बोला नहीं नहीं ब्रो तू कर लेगा, तो मैंने कहा चलिए ठीक है ब्रो कर लेगा तो कर लेगा, फिर मैंने किया बढ़िया था नहीं एक्चुअली जब आप कह रहे हैं ना कि भाई मजा नहीं आ रहा थोड़ा ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, जो तो जो देखने वाले हैं उनके मन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अंदर से उभरता होगा, अरे कह देना थोड़ा इधर हो जाओ, अरे पास आ जाओ, अरे कोई तो कुछ बोल दो, कोई कुछ बोल नहीं रहा उसमें एक डायलॉग मतलब वो वही पे मतलब पलाश ने मुझे बोला था कि तू कुछ अच्छा बोल क्योंकि तूने ही शो लिखा है तो तू कुछ बोलना सही है ऐसा, तो मुझे समझ में नहीं आता, रिटेक्स हो रहे थे पसीने आ रहे हैं मेरे को तो वो सब हो रहा था मुझे, पर करते करते एक अगर आपने डायलॉग नोटिस किया कि वहां पे आया कि अरे अन्नू भैया थोड़ी दूरी कम करनी पड़ेगी, अच्छा थोड़ी दूरी कम करनी पड़ेगी, वो वहीं पे आया था तो मुझे लगा यार वो फोटोग्राफर के अंदर भी कमी लेके आता हूँ मैं
कि थोड़ी दूरी कम करनी पड़ेगी. तो वो वहीं से आया था एंड हो गया यार वो फोटोग्राफर. एंड वो एक अच्छा बैलेंस भी आई थिंक पलाश ने बनाया कि बड़ा हाई इमोशन वाला सीन था वो, और उसमें एक फोटोग्राफर ला दिया जो कि खुद ही नौसिखिया लग रहा है, टाई कस दे रहा है, पता नहीं कैसे कैमरे में ही छुपा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, सही खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है. तो उस वो मोमेंट को थोड़ा सा बैलेंस भी किया था फोटोग्राफर के कैरेक्टर ने, मुझे ऐसा लगा, जो पलाश की भी थिंकिंग रही होगी. पर ओवरऑल ध्यान तो फैमिली की साइड ही है, मतलब वो नजदीक लाने वाली प्रोसेस चल रही है. लेकिन छोटी सी लाइन है फोटोग्राफर की, कई बार मुझे लगता है कि परिवार में सबको पता होता है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कोई एक दूसरे से कह नहीं रहा है क्योंकि एक डिस्टेंस बना रहता है. हम लोग उस तरह के परिवारों से आते नहीं है, जैसे हम सभी बोलते हैं भाई पिता से गले नहीं लगे, माँ से खुलकर अपनी बात नहीं कही, भाई बहनों में भी एक दूरी बनी रहती है. तो वो जो परिवार है वो जानता तो है कि अंदर खाने क्या चल रहा है, लेकिन जब वो फोटोग्राफर एक छोटी सी बात कहता है तो दरअसल वो पूरे सीन को डिकोड कर रहा है और पूरी सिचुएशन को डिकोड कर रहा है. ये बड़ी प्यारी बात थी. अच्छा, दो पात्र हैं इस बार पार्ट टू में जो अंडरलाइन हुए हैं, पहले में शायद थोड़ी सी कमी रह गई थी, मम्मी भी और वो छोटा भाई भी जो अमन मिश्रा है. तो इस बार दोनों को जिस तरह से अंडरलाइन किया गया, जिस तरह से उन दोनों की दोनों का महत्व यहाँ पर बढ़ाया गया, वो बहुत अच्छा लगा. क्योंकि पहले वाले में शायद पापा और अन्नु इन दोनों को वो ज्यादा फोकस में थे. ये जो आपने इतने सारे पात्र रचे हैं इनके आसपास, इन चार से मैं अलग की बात कह रहा हूं, ये जो आसपास आपने पात्र रचे हैं जो इस बार दिखाई भी दिए है ना, तो ये दुनिया रचना ये कितना इसमें अपने अपनी जिंदगी कितनी इसमें काम आती है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि ये आपके आसपास कहाँ थे पात्र. दुर्गेश से पूछ रहा हूँ. हाँ मतलब हाँ ये मतलब एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग सवाल है बहुत, क्योंकि जो पात्र आपने आसपास के देखे हैं जैसे प्रिंसु भैया, तो प्रिंसु भैया एज ए लीडर मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ क्यों, और उनके बैनर्स उनके पोस्टर्स देखे हैं. तो जब प्रिंसु भैया आपने नोटिस किया होगा प्रिंसु भैया को के पास कोई संवाद नहीं है, प्रिंसु भैया की आंखों वो अपनी आंखों से बात करते हैं, उनके पोस्टर्स बात कर रहे हैं, उनके बैनर बात कर रहे हैं. तो कैसे बात कर रहे हैं कि नेता नहीं बेटा चुनिए या हम वोट नहीं प्यार मांगने आए हैं. तो ये अपने आसपास हमने देखे हैं ये सारी चीजें, तो प्रिंसु भैया का किरदार वहां से निकल के आता है. सिमिलरली त्यागी जी एक राइट हैंड हम सब देखते हैं कि जो चाय जितनी गर्म नहीं होती उस तरह केटली गर्म होती है, तो वो हमने वो भी हमने देखा है. और मेरे ख्याल से लक्की का जो कैरेक्टर हो गया कि जो एक दोस्त होता है आपकी जीवन में जो हमेशा वहीं पे रहता है जहां पे आप पैदा हुए थे, आप आगे बढ़ जाते हैं पर वो वहीं पे रहता है और उसी तरीके से रहता है, उसी वॉर्म्थ के साथ रहता है, उसी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ रहता है कि आप जैसे ही जिस तरीके से भी जाएंगे दिल्ली बम्बई से लौट के अपने घर छोटे शहर, वो एक दोस्त वहां पे है जो आपको वैसे ही स्वीकार करेगा. वो छूट गया है तो वो दोस्त लकी है जो. तो ये सब मेरे ख्याल से पलाश भी अग्री करेंगे, नितिन आप भी अग्री करेंगे, हम सबके जीवन में छूटा हुआ दोस्त है जो कहीं बरगद की पेड़ की तरह खड़ा है वहीं पे, जो शहर में. हाँ वो उसी शहर का बरगद का पेड़ है वो, जो जिसको ना आंधी ला पा रही है ना दुख उसका कुछ कर पा रहे हैं ना सुख उसको कुछ दे पा रहे, वो वैसे ही बरगद बन के खड़ा है. आप जब जाएंगे वो आपके साथ समय देगा वो. तो लकी का कैरेक्टर वो है और ये सारे किरदार आसपास से मेरे ख्याल से हम सबके आसपास के हैं, हम जितने भी लोग छोटे शहरों से आए सबके आसपास के किरदार हैं. तो आई थिंक गुल्लक टू का जो ब्यूटी भी है ना, जैसा मैं पलाश अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, वो ब्यूटी इन किरदारों के आसपास भी है. मतलब चार तो पांच तो चलो चार फैमिली मेंबर्स हो गए, एक बिट्टू की मम्मी हो गई, पर जो ये आसपास की छोटे छोटे किरदार हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, वो जैसे डॉक्टर का किरदार फॉर दैट मैटर, कि अगर आप देखेंगे किट्टी वाले सी एपिसोड में वो जो डॉक्टर ब्लड निकालती है, बिट्टू की मम्मी बोलती है बस सर तस्करी करोगी क्या, तो डॉक्टर बोलती कौन सी क्लास तक पढ़े हो बेटा, जिस तरह का सवाल पूछ रहे हो सिर्फ नैतिक शिक्षा में पास हो पाओगे. तो वो भी मेरे डॉक्टर थे जिनके पास मैं जाता था और इसलिए जाते पिताजी, इसलिए जैसे घर में लड़ाई होती थी पिताजी बोलते चलो डॉक्टर पास चलते हैं, लड़ाई हो रही है डॉक्टर पास क्यों जाना भाई, तो माहौल शांत करने के लिए डॉक्टर साहब कुछ चुटकुले मार देंगे, जोक मार देंगे दुनिया के ऊपर, तो पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो चले जाएंगे. मेरा इंटरेस्ट ना उस डॉक्टर के बाद जो वो लोग दोनों बाहर बैठती हैं, दोनों महिलाएं, मतलब बेसिकली बिट्टू की मम्मी बैठती हैं और अन्नू की मम्मी बैठती हैं, तो वो जो बात हो रही है ना कि
अरे खुद खाना नहीं बनाती होगी, अरे जरूरत क्या है, मतलब वो मेरे को सुनी सुनी सी बातें हैं। तो पलाश आप जी, जी, जी। आपके आसपास इन जो किरदार जो आपने यहाँ बुने हैं जिन्हें आपने एस्टेब्लिश किया है, आपकी असल जिंदगी में आप अपने आप को किसके करीब पाते हैं? देखिए ये किरदार जो है वो जैसे दुर्गेश जी बोल रहा था कि हर किसी ने अपने आसपास देखे हैं, है ना। और अगर आप अन्नू का कैरेक्टर लेंगे तो अन्नू जैसा एक मेरा बहुत मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक दोस्त है जो हमारे बहुत करीब होता था। अब देखिए अगर सीजन वन में क्या होता है कि अन्नू जो है अन्नू का एसएससी नहीं निकलता है, सीजन टू में उसने पढ़ाई गिव अप कर दी है, थोड़ा सा पूजा पाठ में लग गया है, साथ में कुछ लोकल नेतागिरी कर रहा है कि कुछ हो जाए मेरा। वैसे लड़के जो शायद से सोचते हैं कि यार हम पढ़ाई वढ़ाई से तो होगा नहीं, मोबाइल की दुकान डाल लेते हैं, गैस की एजेंसी डाल लेते हैं, इस तरह कुछ काम कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमारे सर्कल, हमारा एक स्कूल फ्रेंड्स का एक सर्कल होता था, अब हम बाकी सब लोग तो चले गए, मेरे दो दोस्त यूएस में है, एक वहीं कुछ अच्छा कर रहा है, हम और मैं यहाँ पर बॉम्बे में आ गया, तो हम लोग बाहर निकल गए, वो गया वहां उससे पढ़ाई नहीं वापस आ गया। अब वो वहां पे कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है, वो सब इन्हीं और उसके काफी सारे फेलियर जो है वो अपने आप ही एक इनसिक्योर होकर उसने हमसे थोड़ा सा नाता तोड़ दिया, हमसे बात नहीं करता, हमसे इनसिक्योर फील करता है वो। हम जब भी और हम उसको बहुत बुला के हमने बातें करने की कोशिश भी करी यार तू हमारे साथ चिल कर, बट उसको लगता है कि तुम लोग बड़े हो गए। तो ये से अन्नू का किरदार मेरे बहुत क्लोज था जो मैंने बहुत ज्यादा देखा हुआ और मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था वो एक टाइम पे, लेकिन मैं उसको मिस करता हूँ और वो खुद ही साथ में नहीं आता। और बाकी तो मैं बोल रहा हूँ माँ बाप और इस तरह किरदार तो आपने मतलब हर माँ और हर बाप का इस तरह का कैरेक्टर। अरे आपसे जो भी इंटरव्यू ले रहा है मैंने जितने देखे सब यही कह रहे हैं ना, अरे मेरे घर की कहानी लग रही है, अरे वो पीले चावल हमारे में आते रहे, मम्मी तो ऐसे ही बोलती थी, पापा भी यही थे। और रिश्तेदारी वाला जो वो है ना हमारे यहाँ कहते हैं मड़क अकड़ भाई नहीं जाना, उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा यही होंगे। तो दुर्गेश आपने तो इलाहाबाद में काम किया भाई, पढ़े लिखे घूमे फिरे और भोपाल में भी पढ़े लिखे, तो वहां तो यारबाजी खूब चलती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब और मैं ना यारबाजी तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं भाई वाले बॉन्डिंग से भी बहुत रिलेट करता हूँ। उसमें उसमें यह है कि भाई 6 साल बड़ा है और एक मतलब दोनों भाइयों में 6 साल का अंतर है, मेरे भाई और मुझे भी 6 साल का अंतर है। तो वो गुस्सा भी आना, वो प्यार भी आना, वो समझा लेना कि हमको बहुत ज्ञान है, लेकिन जब उसको उपलब्धि मिल जाए तो अपनी तरफ भी देखना कि मैं तो यहीं पढ़ा रह गया हूँ, ये आपकी जिंदगी में कहीं आसपास है? हाँ बहुत करीब है, मतलब एक्चुअली सगे भाई की वजह से ही है जिससे बातचीत नहीं होती। मतलब कई साल हो गए बातचीत नहीं होती, छोटा भाई है बातचीत नहीं होती, बहुत कम बातचीत होती है या ना के बराबर होती है, या माँ माध्यम है, माँ जरिया है। मतलब आप ये समझिए कि पलाश इतना क्लोज है मेरे, वो डायरेक्टर है, मैं राइटर हूँ, पर मैंने अपने भाई के बारे में कभी पलाश से जिक्र नहीं किया, तो आप समझिए कि वो कहाँ से, वो तकलीफ या वो सफरिंग कहाँ से आ रही है, वो इमोशन कहाँ से आ रहा है। तो वो बहुत क्लोज है, मतलब उसकी सक्सेस पे खुश होना, बयान नहीं कर पाना क्योंकि बात नहीं होती, उसकी उसके दुख में शरीक नहीं हो पाना, क्यों? क्योंकि बात नहीं होती। बात क्यों नहीं होती, उसके भी बहुत छोटे से दुनियावी रीजंस हैं, पर समा वो आइस ब्रेक ही नहीं हो पा रही है वो और ऐसे कई सारे रिश्ते हैं जिनकी आइस आपकी लाइफ में जो जिनके आइस ब्रेक ही नहीं हो पाती है। मेरे ख्याल से एक 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 बार हल्का सा धक्का देने की जरूरत होती है चीजों की, वो ब्रेक हो सकती है, पर हम अपनी पूरी जिंदगी कई रिश्तों को इसलिए ऐसे ही ढो ले जाते हैं बात नहीं करके। तो अन्नू का जो कमबैक होता है, अन्नू का जो कमबैक होता है वो उसी वजह से है कि मैंने वो लूप इसीलिए क्लोज किया कि यार मैं गलत था, मतलब मैं स्वीकार कर लेता हूँ ना बड़े भाई के तौर पे मैं गलत था। दुनिया में दो तरीके के पतंगबाज होते हैं, जो ढील लेके काटते हैं, वो जो लूप क्लोज होता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये बात भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं गलती किसी से हो रही है रिलेशनशिप में, अगर आपको लग रहा है आपकी गलती है, तो प्लीज उसको स्वीकार कर लीजिए, रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा। तो वो भी हमारा, मैं नहीं, आपकी जो पर्सनल बात थी उस पर मैं यही कह रहा था कि आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली है कि ना, एक राइटर के तौर पर हम कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, हम बातें कम्युनिकेट करते हैं, इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं, हम ऐसे सीन क्रिएट करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में अगर वो कहीं मिसकम्युनिकेशन किसी रिश्ते में रह जाता है तो वो कितना सालता होगा। बहुत, मतलब उसकी तो उस पलाश आई थिंक उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब वो मैं बयान भी नहीं कर सकता कितना साल था। मतलब एज अ राइटर मैं सिर्फ उसको अपने लिखे हुए में एक्सप्रेस कर पाता हूँ, और वही गुल्लक का 5वें एपिसोड में वही दो भाइयों के बीच में जो थोड़ा बहुत इमोशन जो निकल के आया है, जो पलाश ने बहुत खूबसूरती से फिल्माया है जिसको,
वो उसी उसी पर्सनल जर्नी की वजह से निकल के आया। जो आप जो सालना बोल रहे हैं ना, वो कांस्टेंट सतत आपके अंदर चल रहा है, वो दुख आप अपनी जेबों में लेके घूम रहे हैं, तो वो दुख जो है उसी का एक हल्का सा चिल्लर मैंने निकाल के इस सीन में डाला है। और वही है मेरे ख्याल से वो बहुत, मतलब अगेन जैसे गौरव सोलंकी की कविता की एक लाइन है कि बहुत दूर तक घेर कर मारते हैं पुराने सुख, तो आपकी जिससे आपकी आप जिससे पुराने सुखों के जो दिन होते हैं वो बहुत दूर तक आपके साथ अगर आप जी रहे हैं चल रहे हैं वो आपको बहुत दूर तक परेशान करते हैं। तो भाई हो गया, बहन हो गई, कोई रिश्ता हो गया, वो तो पुराने सुखों के दिन थे ना, वो तो आपको परेशान करेंगे, तो वही है आई थिंक। हाँ, वरना मैं तो ये बोल ही रहा हूँ कि भाई आम लोगों से तो ये उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि कई बार होता है हमारे पास उतने, मतलब आम लोगों के पास उतने शब्द नहीं होते शायद। अच्छा नितिन, एक चीज बताइए, आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, एक चीज बताइए, हम सबकी लाइफ में ऐसे एग्जांपल होंगे ना कि बड़े भाई ने, हमारे ताऊ ने हमारे पिताजी से 20 साल बाद नहीं की, बहुत बहुत। पलाश आप कुछ बोलना चाहे तो बोलिए, क्योंकि होता है ना हम सब पास 20 साल बीत के नहीं बात की लोगों। बिल्कुल होता ही है, नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन आम लोग जो है ना वो आइस ब्रेक करने का तरीका नहीं जानते। लेकिन जब कोई राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, कम्युनिकेशन के मीडियम में होता है, और मैं खुद को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ, हम लोग पत्रकार कहलाए जाते हैं, तो भाई लेकिन जब आप खुद वो संवाद नहीं कायम कर पाते, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपने आप को हम कितना लिमिटेड फील करते हैं कि यार वैसे हम दुनिया को इतना ज्ञान दे दिए, हम खुद तो कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना निकलता है, कविताओं में निकलता है, कहानियों में निकलता है, जब मौका मिलता है फिर हम उसमें बताते हैं कि यार जो हमने नहीं किया असल जिंदगी में हम ऐसा करते शायद। तो खैर गुल्लक भी बोझिल नहीं, इसे भी बोझिल नहीं करते, बहुत इमोशनल हो गए। तो पलाश इतना, मतलब भाइयों की बॉन्डिंग हुई ठीक है, बच्चे और वो शुरू में पति पत्नी की बॉन्डिंग हुई पहले वाले में, इधर मम्मी जो है मम्मी को एस्टेब्लिश बढ़िया किया गया, और मैं कई जगह सुन भी रहा था आपके इंटरव्यूज में, उसे सभी ने छुआ, बहुत अच्छा भी लगा मुझे। और आपने एक एपिसोड में तो बाकायदा किट्टी पार्टी जिसे माना जाता है कि तो महिलाओं की मौज बहार का सामान है, लेकिन दिखाया कि राहत के वो दो पल उन्हें मिलते हैं उसमें भी उसके इधर और उधर वो कितनी जिम्मेदारियों से घिरी होती है। बिल्कुल, ये एपिसोड जो है मुझे बस इस एपिसोड के बारे में खास तौर पर जानना है कि इसको कैसे बनाया, कैसे सोचा, क्या तय किया, वो जो आपकी एक मेकिंग रही होगी उसके बारे में जरूर बताइए। जी, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि ये बड़ा ऐसा बचपन में हम लोगों ने भी कभी अपनी माओ को या आसपास की पड़ोस की आंटियों को देखते हमने भी खिल्ली उड़ाई थी, कह रहे यार ये किट्टी में मजा क्या आता है। ये क्वेश्चन जो अन्नु अपने फादर से पूछता है कि हम सब ने पूछा हुआ है। तो जब हम यहाँ पर आए, जब ये एपिसोड भी डिस्कस हो रहा था, और इस एपिसोड के बहुत ज़्यादा क्योंकि हम भी ये बड़ी, आप समझ रहे हैं, बड़ी थिन लाइन है जो हम लोग इस एपिसोड में करना चाह रहे थे, कहीं से भी ये प्रीची ना लगे, हम बात शुगर की कर रहे हैं और शुगर से हम किसी और चीज़ पे आते हैं, लेकिन साथ में किट्टी का ट्रैक है और वो शुगर जो माँ को निकला, और शायद से वो शुगर की मतलब वो प्रॉब्लम क्या है, वो शायद से वो मर्द भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, और किट्टी के थ्रू हम उस चीज को दिखा रहे हैं यार एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और मतलब इन जनरल फीमेल्स की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो बहुत इसके हम लोग की मतलब राइटिंग चली, और फाइनली दुर्गेश ने इतना खूबसूरत लिखा, हम सबने मिलकर बहुत डिस्कस भी किया इसमें, ठीक है, जिसके बहुत पार्ट मैं बोल रहा हूँ, अभिजीत थे, अभिषेक झा हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वो थे, क्या बोलते हैं शहरी था, जब ये लिख लिया गया तो यहाँ पे अब मेन थीम यही, मतलब मेन मेरा मोटिव यही था कि इसको किस तरीके से विजुअली मैं कैप्चर करूं, है ना। तो आप जैसे कुछ इसमें सीन्स हैं जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल माँ का शुगर निकलता है जब, और तीनों मर्द बैठ के वो डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, वो तो वो होता नहीं घर पे निकला तो सब इंडिया में तो फट फट से लोग बता रहे हैं तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, वो कर, वो कर, है ना, कोई एक्चुअल क्या करना है उसमें बात नहीं कर रहा है। वहां आप देखोगे तो माँ एक साइड में बैठी, तीनों मर्द एक साइड में बैठे, तो एक कॉन्वर्जेशन भी था कि जहाँ पे मुझे वैभव ने बोला था कि यार मैं यहाँ माँ के साइड बैठता हूँ मैं ऐसे करके बैठूंगा, तो मैंने बोला नहीं तो वहीं पे बैठ, क्योंकि मैं इस तरीके से फ्रेमिंग चाहता हूँ कि तीनों मर्द मुझे एक साइड दिखे यहाँ पे और माँ एक साइड दिखाए। आप बाद में भी जब देखते हैं जहाँ पे नीचे बाप बैठ के माँ को समझा रहा, तो माँ आपको एक फ्रेम के थ्रू अंदर दिख रही है ना, तो हर एक फ्रेम के पीछे एक मीनिंग था कि क्यों माँ वहां पर अंदर है, क्यों ये मर्द तीनों बाहर है। किट्टी पार्टी में जब तीनों मर्द मिलके पूछते हैं कि भाई किट्टी पार्टी में औरतों को क्या मजा आता है, वहां पे औरतें खुली हुई है ना, औरतें
आपस में बातें कर रही हैं, उनका एक अच्छा मी टाइम चल रहा है, और जहाँ पे मर्द शायद से समझ नहीं पा रहे तो मर्द उस टाइम पे उस कटघरे में है, लेकिन औरतें नहीं है, है ना। तो इस तरह से हर जगह कुछ ना कुछ वैसा था कि जो जो लिखा गया है उसको किस तरीके से विजुअली भी एक मीनिंग दिया जाए, कोई भी फ्रेम या कोई भी शॉट सिर्फ ऐसे ही ना हो, मतलब ऐसे ही ना शूट कर लिया हो। बिल्कुल, तो शायद सबकॉन्शियसली वर्क करता है मेरे ख्याल से, इसलिए ये चीज बेटर पड़ भी रही है। ये तो करता है। मेरे एक गिटार के टीचर थे और आज से 15-16 साल पहले वो गिटार बजा रहे थे, मैं बैठा था तो मैंने देखा उन्होंने ना जो नॉर्मल हम गिटार बजाते थे तो वो बीच में बजाते बजाते कुछ हरकत की, एक छोटी सी हरकत कुछ की और आगे बढ़ गए। तो मैंने कहा ये आपने क्या किया, ये तो हमें सिखाया नहीं। बोले यार पता क्या होता है, ये तो मैं बाद में सिखाऊंगा, ये छोटी सी एक हरकत जो है चीज को खूबसूरत बना देती है, सुनने वाले को समझ नहीं आता टेक्निकली हमने क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये फ्रेम बनाना ये सब जो है आम आदमी की समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि जाहिर है आपको वो क्राफ्ट नहीं आता, लेकिन वो जो मीनिंग बढ़ा देता है किसी चीज का, मर्म बढ़ा देता है, गहराई पैदा कर देता है, वो पता चलता है। वो सीखचों के पीछे तीन मर्द खड़े हैं, वो औरत बाहर थी, उसके बाद वो अंदर खड़ी है, ये बाहर खड़े हैं जी। और आपने एक जगह कहीं बताया था, मैं चाहूंगा वो भी बताएं, जो सह परिवार वाला एपिसोड है उसमें वो पापा हैं वो ऊपर बैठे हैं, वो मम्मी नीचे हैं। तो जैसे है। जब जब ये आ गया है, जब कार्ड पे लिखा हुआ है और वो मिस हो गया है, मतलब मिस तो नहीं हुआ है, मतलब ज्यादा मैं स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा, अगर किसी ने देखा नहीं है ना, कार्ड में कुछ ज्यादा एक गलती हुई है जिससे बाप ने लोड ले लिया। अब फादर यहाँ पे लोड लेके बैठा और तीनों लोग बोल रहे हैं यार फादर आप मतलब पिताजी आप जबरदस्ती आपने आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे फॉर मैं आ जाता था कि ऑडियंस को ये फील होना चाहिए कि बाप यहाँ पे ओवर रिएक्ट कर रहा है और तीनों बाकी लोग तीनों सही हैं, तो इसलिए ब्लॉकिंग स्टेजिंग भी ऐसी करी गई है जहाँ पे बाप एक साइड है, तीनों लोग ये तीन एक साइड है, जहाँ पे तीनों एक, एक दो लोग बिस्तर पे बैठे हैं, एक टेबल पे बैठा है जो इनसे ऊपर है, क्योंकि बाप नीचे मुड्ढे पे बैठा हुआ है, तो बाप नीचे है तीनों ऊपर है। लेकिन जब एंड में क्या होता है कि माँ और बाप की पोजिशन एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि माँ अब चाहती है कि शायद से ना कि ये चीज सही हो जाए, लेकिन अब वो चीज सही नहीं होती है, जहां पे एंड में बाप ही गलत, आप देखोगे तो बाप गलत प्रूव होता है, माँ सही प्रूव होती है, माँ उड़ जाती है, सब उड़ जाते हैं। बाप जो ऊपर आ गया है, बाप को था कि बाप तो इसमें था कि मुझे अपने आप को राइट प्रूफ करना है, यहाँ पे एंड में बाप अपने आप को राइट प्रूफ कर जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जो एक्चुअल जो एसेंस था कि उसकी उसका सगा भाई है, वो माँ का सगा भाई है जिसने उसको काट दिया, माँ को कितना बुरा लगा हुआ इस चीज, तो है ना, इस जीत हार के चक्कर में तो जो बाप जो ऊपर है, लेकिन सडनली बाप नीचे हो जाता है, सब लोग ऊपर उठते हैं और निकल जाते हैं। इस तरह का मतलब बहुत छोटी छोटी चीज है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं और थोड़ा सा डिटेलिंग में, अगर आपके पास टाइम है तो मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल टाइम है। अब जैसे फिनाले में जहाँ पे अन्नू का एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ उसके साथ, उसकी लाइफ में एक बहुत लो पॉइंट आया और जहाँ पे माँ उसको और डांट रही है, तो वहां मैं चाहता था कि ऑडियंस भी माँ के साथ रहे, वो शायद से अन्नू को पास से ना देखें, तो उसके तीन तीन शॉट्स हैं उसमें, मतलब तीन तरह के शॉट्स हैं। स्टार्टिंग में हम अन्नू को दूर से ही देखते हैं क्योंकि माँ उसको दूर से देख रही है, उसके बाद अन्नू के हम मिड शॉट्स देखते हैं तो हम थोड़ा सा ऑडियंस पास आता है अन्नू के, और जब एंड में अन्नू बोलता है कि आपने कुछ जो उनकी लाइन है, बोलता नहीं वो लाइन, लेकिन जब अन्नू अपना जो दुख है वो एक्सप्रेस करता है तो हम उसके पास है अन्नू के, और तब माँ भी पास है, और तब माँ समझ भी जाती है कि शायद से मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया है। या फिर अगर आप अमन को देखोगे तो अमन जिस तरह का आपका भी था कि अमन सीजन वन में थोड़ा सा साइड कैरेक्टर जो आपने बोला ज्यादा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अमन को कोई सीरियसली लेता है इस फैमिली में, तो अमन को हमने थ्रू आउट जहाँ भी चारों लोग फैमिली के एक साथ है हमेशा सेंटर फ्रेम नहीं किया, हमेशा लेफ्ट या राइट में ही, हमेशा कॉर्नर में रहे, लेकिन फोर्थ एपिसोड से वो धीरे धीरे सेंटर फ्रेमिंग होनी चालू होती है, और आप उनको प्रॉपर सेंटर फ्रेमिंग में देखते हैं जब उनका रिजल्ट आ चुका है, जब उन्होंने टॉप कर गए, तो बिल्कुल इस तरह का। या फिर कोल्डर पैलेट्स, फोर्थ एपिसोड ऑनवर्ड्स हम कोल्ड हो जाते हैं, जो पर्दे हैं वो थोड़े से कोल्डर पैलेट में चले जाते हैं, कपड़े कोल्डर पैलेट में चले जाते हैं, और फिफ्थ में वापस एक वार्मथ आ जाती है फाइनल फोटोग्राफ वाले सीन में। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीजें हमने करी हैं। या फिर वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जब वीओ चलता है उसमें जो पटाखे चल रहे हैं ऊपर, वो भी एक मीनिंग है, वो भी एक मेटाफर है। तो वो सारी चीजें बहुत सोच, क्योंकि जब पेपर में हम लोगों ने लिखा नहीं था, फिर जैम करते करते आया जो आनंद था डीओपी, उसने आइडिया दिया कि यार यहाँ मुझे लग रहा है अगर फायर वर्क करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो मैंने बोला यार ये तो बहुत सही आइडिया है। दुर्गेश को बताया, ये बहुत खुश हो गया, श्रेयांश, अब झा जो अभिषेक झा, ये हम लोग सब ऐसा एक्साइट हो गया, ये तो बहुत बहुत सही आइडिया, इसको एग्जीक्यूट करता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करें। तो ये बहुत छोटा छोटा डिटेलिंग मैं बताऊंगा तो खत्म ही नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा है जो इसमें हम लोग ने करने की कोशिश करी है।
नहीं वाकई, और हम कई जगह ये देखते हैं कि परिवारों में जो है वो कोई दुश्मन तो होता नहीं है परिवार में, बस आपके अपने अपने पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स अलग अलग होते हैं तो वो टकराते हैं। तो जैसे एक जगह माँ बैठी है और माँ चाहती है कि आज जो है बड़े बेटे से एक काम कराया जाए जो वो नहीं करता मुमन, और बड़ा बेटा इरिटेट है और वो गुस्से में निकल जाता है लेकिन फिर वो लौटता है। इसी तरह से आपने वहां दिखाया कि दोनों भाइयों का झगड़ा हो रहा है और पहले ही छोटे वाला बेचारा परेशान है, टेंस्ड है, गिल्ट में भी है, और बड़ा उसको अभी जो है सुनाया जा रहा है तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि दब गया है, वो गुस्से में निकल जाता है लेकिन फिर लौटता है, फिर वो चला जाता है। परिवार में लोग मतलब एक सबका पॉइंट होता है जहां गुस्सा आता है वो उस गुस्से तक जाते हैं लेकिन अंततः वो गुस्सा शांत हो जाता है क्योंकि सामने वाला जो है आपका भाई है या माँ है या बेटा है या बाप, बिल्कुल, तो वहां से लौट आना। तो ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आ गया है और वो इसलिए भी क्योंकि कई दिनों से मेरी जबान पर गुल्लक का वो जो टाइटल ट्रैक चढ़ा हुआ है और यही हालत थी एक साल पहले जब मैंने वो देखी थी सोनी लिव पर। तो दुर्गेश, ये बड़ा सरल सा गाना है लेकिन बहुत ही गहरा भी है, है ना? तो इसकी यात्रा क्या है, इसको आपको ब्रीफ दिया गया फिर आपने लिखा? एक्चुअली टाइटल ट्रैक जो है कभी अक्कड़ थी कभी बक्कड़ थी, तो वो तो ब्रीफ मतलब सीजन वन जो जिन्होंने डायरेक्ट किया था अमृत राज गुप्ता ने, तो उनके साथ बातचीत हुई थी तो उन्होंने बोला था कुछ लिखिए, तो मैंने धुन पे नहीं लिखा था ये गाना, एक्चुअली मैंने कविता पे कविता की जैसे लिखा था। तो बेसिकली जैसे होता ना कक्का किक्की कुको कक्का किक्की, तो वैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वैसा करके मैंने इसको लिखा था। कभी अक्कड़ थी कभी बक्कड़ थी, कभी टेढ़ी थी कभी मेढ़ी थी, थोड़ी अकड़ी थी थोड़ी झकड़ी थी पर लपक के हमने पकड़ी थी। कभी अक्कड़ थी कभी बक्कड़ थी, कभी टेढ़ी थी कभी मेढ़ी थी, थोड़ी अकड़ी थी थोड़ी झकड़ी थी पर लपक के हमने पकड़ी थी। तो मैंने उसी तरीके से इसको लिखा था। फिर जब सिमरन होरा जो कंपोजर है जिन्होंने सीजन टू का भी गाना जो तू मेरा राजी जो कैलाश खेर साहब ने गाया है वो भी मैंने लिखा, वो उन्होंने कंपोज किया। सिमरन होरा के साथ जब जैमिंग हुई तो उन्होंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कंपोज किया और फिर उसमें कुछ लाइंस और ऐड हुई, मतलब जो आपको आगे के अंतरे जो खुलते हैं ना वो और रोचक हैं इस गाने में। अगर आप वो देखेंगे कि बाबू लल्ला हल्ला गुल्ला चैचे पोपो गली मोहल्ला ये ऐड हुई, फिर उसके बाद उन्हीं गेदों सी फटे फटी जेबों सी छठे कोहरे सी बासी तहरी सी, तो लाइफ का नॉस्टैल्जिया जो था मेरे पास जितना भी था उनकी गेंदे होती थी जिससे हम लोग खेलने लगते थे, माँ खटिए पे बैठ के बुनती थी, हम उसका उनका जो गोला था वो लेके भाग जाते थे, तो वो एक मेटाफर था। छठे कोहरे से छठता हुआ कोहरा बड़ा खूबसूरत लगता था, आप अपनी हीरो होंडा लेके छठे हुए कोहरे में निकल जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वो मेटाफर था। बासी तहरी ऑफकोर्स तहरी शो से ही लिया था मैंने कि तहरी का रेफरेंस है, तो बासी तहरी भी तो हम खाते थे चाय के साथ, चाय पी रहे बासी तहरी खा रहे हैं, है ना? और फटी जेबों से, तो फटी जेब वो जेबें ऑफकोर्स नॉस्टैल्जिया का वो था कि जेबें फट जाती थी हमें से निकाल के दिखाते थे, जेबें फट गई चिंगर गिर गया, तो खुशी के दिन थे। तो ये सारी चीजें वहां से आई एंड सिंप्लिसिटी आई थिंक इस वजह से आई कि मुझे वो बात कहनी थी जो बचपन से जुड़ी थी, और बचपन तो सबसे सिंपल होता है मुझे लगता है कि हम अपने ओवर द ईयर्स हम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन सरल सरल संवाद लिखना कितना मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है सरल संवाद लिखना, मतलब ये तो पलाश और हम सब लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि सिंप्लिसिटी को पोर्ट्रे करना, सिंप्लिसिटी लिखना भी बहुत मुश्किल। मैं बहुत एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि गाइड हमारे दौर की, गाइड हमारे सिनेमा का सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है गाइड। गाइड अहेड ऑफ टाइम्स है, पर गाइड के अगर आप संवाद देखेंगे एक भी संवाद गाइड का कठिन नहीं है, एक नॉट इवन ए सिंगल डायलॉग आप अगर देखेंगे कि वहीदा रहमान बोलती है कि आजकल तुम मुझे नशे में याद करते हो, तो देवानंद साहब बोलते हैं तुम्हारी याद में ही नशा करता हूं। अब ये जो प्ले है ये इतना स्मार्ट है और इतना सटीक है कि ये मेरे पास रह गया। मतलब मैं आपको लिटरली बताऊं नितिन की जो राइटिंग या डायलॉग कैसे होने चाहिए वो गाइड उसका स्कूल है। और मैं ये बोलता हूँ कि विजय आनंद साहब का जो क्राफ्ट है डायलॉग्स का खास करके, वो अगर हम एज इट इज भी फॉलो कर ले तो हम कुछ बेहतरीन फिल्में लिख पाएंगे।
और मेरे लिए जो डायलॉग का स्कूल है वो विजय आनंद है। मैं ये और वहीं से मैं सिंप्लिसिटी बोरो करता हूँ उन्हीं के काम से। तो बहुत कठिन है लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते रहने से चीजें आसान हो जाती है। वाह 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 वाह, आप तो कवि भी हैं खैर, तो मुझे यही लगा कि आप तो मुश्किल चीजें भी लिख सकते हैं और गुल्लक से आपने बता दिया आप आसान भी लिख सकते हैं, तो आगे की राह आपकी बहुत चमकीली है। बहुत बहुत बधाई है आपको। शुक्रिया नितिन, शुक्रिया। तो पलाश भाई, मुझे पता नहीं अगला सीजन कब आएगा, लेकिन मकान बनवा लीजिएगा उस परिवार का बेचारे का। फर्स्ट सीजन तो चर्चा ही नहीं हुई, बेचारे रिश्वत लेना चाह रहे थे उसमें आपने धरवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कभी 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 तो देखिए बनेगा इनका मकान, अब सीजन 3 बनता है कि 4 में, लेकिन वहां तो पहुंचेंगे कभी। देखिए मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सपना है वो। हाँ है ना, और कभी ना कभी बन जाए। और वो जो आपने फैमिली बनाई जो पहले एपिसोड में बनी, दूसरे में उसकी बॉन्डिंग मजबूत हुई, मतलब अभी ना मैं उन लोगों को अलग करके देख नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैंने जमील साहब को बहुत बार देखा अलग 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 एक्टिंग करते हुए, लेकिन वो परिवार आप अलग नहीं कर पा रहे। वो इतना शानदार है, वो क्या गजब है उनके बीच की बॉन्डिंग, और उनकी शायद पृष्ठभूमि भी वो नहीं है, एक आध पात्र की रही होगी, वो जो टोन पकड़ी है जिस इलाके खास तौर पर पूरा अवधि का माहौल है, बहुत शानदार है। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे उम्मीद है अगला सीजन फिर आएगा, इस बार और धमाकेदार आएगा। और देखिए आपकी उपलब्धि मैं बता दूं, बिल्कुल आपको सब लोग कह रहे होंगे, कल आप एक जगह इंटरव्यू में बैठे हुए थे, मेरे मित्र ले रहे थे, यही बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि सेकंड वाला बेकार था, सेकंड वाले में मजा आया नहीं, उतना अच्छा नहीं था फर्स्ट में। मैंने कोई इंसान अभी देखा नहीं ये कहते हुए कि सेकंड वाले में मजा नहीं आया, इनफैक्ट सेकंड में उन्हें ज्यादा आया। और कितने लोग ऐसे हैं जो सेकंड देख के फर्स्ट देखने चले गए और फिर भी वो कंपैरिजन नहीं कर पाए, उनको यही लग रहा है सेकंड एक कॉम्प्लीमेंट है फर्स्ट का। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। मुझे उम्मीद है आज तक रेडियो पर जो हमारे सुनने वाले उन्हें बातचीत पसंद आई होगी, नहीं भी आई हो तो भी कोई बात नहीं, आप लोग हमें radio@aajtak.com पर, हम ना ये करते हैं, हम एक तरफा बात नहीं करते, हम लोगों से मेल मंगाते हैं, हम लोगों से कहते हैं व्हाट्सएप करो हमें, हमें बताओ कैसा लगा, और अगर बुरा लगा हो तो वो भी लिख दो। तो अगर कुछ भी ऐसी बात आएगी जो आपको बताने लायक हुई तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, हमारे सुनने वालों ने अगर सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो radio@aajtak.com हमारा मेल आईडी है, इसके अलावा फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर तो हम हैं ही, वहां भी आप जो चाहे लिख दीजिए और अपने शो में हम शामिल जरूर करेंगे। मेरा नाम नितिन ठाकुर है और हम गुल्लक 2 की टीम के साथ थे, सोने लिव पर आ चुका है, 15 तारीख को आ गया था, बहुत लोगों ने देख लिया, आपने नहीं देखा तो आप लेट हैं, और ज्यादा लेट मत होइए, देख डालिए, हम सबका नॉस्टैल्जिया है जिसे हम जी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, मैं 90 का किड हूँ, 90s किड, मुझे भी वो ऐसे लगता है जैसे अभी 90 ही चल रहा है, उस शहर में वो 90 कहीं ठहर गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, सुनते रहिए आज तक रेडियो। थोड़ी गीली थी, थोड़ी ड्राई थी, कभी रोसी थी, कभी हाई थी, घुल जाए तो इलायची किस जाती, तो अदरक थी, ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी, गुल्लक सी, ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी, गुल्लक सी, गुल्लक सी। छठे कोहरे सी बासी तहरी सी।
से चलती अनलिमिटेड वाईफाई थी, और सद का पेट्रोल पड़ा के स्लोली स्लोली भगाई थी, हम सब के हिस्से आई थी, हम सब ने गले लगाई थी, एक चम्मच थी पर टू मच थी, ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी, गुल्लक सी, गुल्लक सी, ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी, जिंदगी गुल्लक सी।